हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 65 क्वेश्चन हो चुके, आज 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 66, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें उनकी एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है, ड्रॉइंग्स भी दे रखी हैं और प्रॉफिट भी दे रखा है। हमसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने को कह रहा है और दोनों तरीके से पूछ रहा है कि यदि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है तब बताओ, फ्लक्चुएटिंग है तब बताओ। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखो। लिखा है, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है सिमरत और बीर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है 3:2। कहता है, ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹4,80,000 and ₹6,00,000 रिस्पेक्टली। इट इज द क्लोजिंग कैपिटल, ध्यान रखना। ऑन 1 May 2022 सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,20,000। सिमरत ने क्या कर रखा है, 1,20,000 की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है। एंड बीर ने विड्रू कर रखा है 60,000 फ्रॉम एज कैपिटल। इट इज द ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ऑन 1 October 2022 सिमरत विड्रू करता है 2,40,000 फ्रॉम आर कैपिटल। उन्होंने विड्रू किया अपनी कैपिटल में से, इसका मतलब ये नॉर्मल ड्रॉइंग्स नहीं है, यानी कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो गई। एंड बीर ने इंट्रोड्यूस किया 3 lakh, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमसे ओमिटेड हो गया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटिंग टू ₹2,40,000 एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन सिमरत की 1,20,000 एंड बीर की 60,000। ये नॉर्मल ड्रॉइंग्स है, जिसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और वहां जो वो विड्रू कर रहा था अगेंस्ट कैपिटल थी वो, क्योंकि वो कैपिटल में से विड्रू कर रहा था। कहता है, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड, यदि फिक्स्ड है तब बताओ, फ्लक्चुएटिंग है तब बताओ। तो दो केसेज हैं, पहले फिक्स्ड वाला करते हैं। देखो, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग आपने कर रखा है। जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो सारी ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में करते हैं, लेकिन यदि कैपिटल फिक्स्ड होगी तो आप याद रख लो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज आएंगी। ओपनिंग कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी, ड्रॉइंग्स होगी, अगेंस्ट कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। बस चार के अलावा और कोई आइटम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। दोनों क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल ही लिखो जो आपको दे रखी है, लिखो क्लोजिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बता रखी है क्लोजिंग कैपिटल और डेट भी लिखी है 31 मार्च 2023 को। एक की दे रखी है 4,80,000 और एक की दे रखी है 6 lakh rupees, लिख दो। ये तो दोनों की क्लोजिंग कैपिटल है। जब फिक्स्ड कैपिटल होगी, ध्यान रख लो, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ऐड करो यहां पर ड्रॉइंग्स जो आपको क्वेश्चन में मेंशन थी, ब्रैकेट में लिख भी लेना, ये अगेंस्ट कैपिटल लिखी हुई है क्वेश्चन में कि उसने कैपिटल से विड्रू किया हुआ है, इसी को बोलते हैं अगेंस्ट कैपिटल। खाली जो जब भी फिक्स्ड कैपिटल होगी तो जब कैपिटल अकाउंट बनते हैं पार्टनर के तो चार ही चीज आपको दिखेंगी उसके अंदर, उसका ब्रॉट डाउन बीडी बैलेंस, कैरीड डाउन बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स, बस। अब इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल तो गिवन नहीं है, तीनों चीजें हैं, वो तीनों चीजें यहां एडजस्ट करते हैं। कितनी कितनी दिख रखी है, सिमरत ने तो इंट्रोड्यूस कर रखी है एडिशनल कैपिटल 120, बीर ने विड्रू कर रखी है 60, इसमें तो 60,000 लिख दो। और दूसरे ने कितनी विड्रू कर रखी है, सिमरत ने विड्रू कर रखी है 2,40,000, इसमें 2,40,000 कर दो। ये तो ड्रॉइंग्स थी। देखो, अब करते हैं इसमें से लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, लिख दो एडिशनल जितनी दे रखी है 20,000, वो माइनस करो ये रहा। और इसकी दे रखी है 3 lakh, वो माइनस करो तो हम किस पे आ जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल। इसकी तो बन गई 6 lakh, देखो ये नहीं, और इसकी बन गई 3,60,000। यहां तक क्लियर हो गया, यही तो निकालना था। फार्मूला आपको याद है कि ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या है, पहले भी क्वेश्चन हमने करी, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे उसमें से, क्योंकि ड्रॉइंग्स आपने माइनस कर रखी थी तभी क्लोजिंग आई, ड्रॉइंग्स को ऐड कर दो। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल इन्वॉल्व है तो उसको माइनस कर दो तो हम ओपनिंग कैपिटल पर आ जाएंगे, तो हमें यही चीज निकालनी थी। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी डेट की ओपनिंग कैपिटल आ गई, 1 April की, याद रखना।
2022 जिसकी हमें जरूरत थी। तो जी अब इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल तो हमें पता चल गई थी दोनों की। पहले सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, लिखते हैं। उसकी ओपनिंग कैपिटल निकली थी 600,000 रुपये, याद करो। और फर्स्ट मे को सिमरत ने इंट्रोड्यूस कर रखे हैं 120, जहां पर वो चेंज करता है वहीं तक का पहले इंटरेस्ट दे दो। चलो जी सबसे पहले यहां स्टार्ट करो। देखो उसने 1 अप्रैल को लगा रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं 600,000, और आप उसको दे दो 30 अप्रैल तक का। क्यों दिया वो भी आपको समझाता हूं। 600,000 रुपये उनकी कैपिटल है बिगिनिंग, अभी हमने जो कैलकुलेट करी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 6/100, लिख दो। इनटू करो 1/12 क्यों करा, क्योंकि अभी एक मंथ का ही देना है इस अमाउंट पर। फर्स्ट मे को सिमरत ने चेंज कर दिए 1,20,000 एडिशनल इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो जहां जहां वो चेंज करता है ना अपनी कैपिटल में, पहले वहां तक का इंटरेस्ट दे दो। फर्स्ट मे से पहले तक पीरियड क्या बनता है 30 अप्रैल, तो एक ही मंथ बना क्योंकि स्टार्टिंग यहां से हुआ, तो एक मंथ का यहां इंटरेस्ट इसको दे दो। कितना बन जाएगा, ये तो बन गया 3,000। यहां तक क्लियर हुआ, अब आगे चलो। फर्स्ट मे से स्टार्ट करो और फिर 30 सितंबर तक का उनको फिर दे दो। कितनी कैपिटल हो गई वो भी बताता हूं। अप्रैल तक तो उनके पास कैपिटल थी 600,000, फर्स्ट मे को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है 1,20,000, तो टोटल उनकी कैपिटल इस डेट को कितनी बन गई 7,20,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो। कौन सी डेट तक देंगे, यहां तक, यहां से यहां तक के मंथ गिनो कितने बने, 5 मंथ्स बनते हैं, मई से लेकर सेप्टेम्बर तक करेंगे तो 5 मंथ्स पे करो। हमने ये क्यों किया ये भी समझा देता हूं, क्योंकि 1 अक्टूबर को अगेन वो अपनी कैपिटल में से विड्रू करते हैं, तो जहां वो चेंज करता है वहां तक का इंटरेस्ट दे जाओ। तो 5/12 ये रहा, जैसे जैसे वो चेंज करता है वहां तक का इंटरेस्ट दे जाओ, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इसको ब्रेक करो जरा, इसको यहां ब्रेक करते हैं तो कितना बनता है ये 2,36 हो गया, तो ये तो 18,000 आ गया, लिख दो 18। अब ये देखो 1 अक्टूबर को अगेन उनकी कैपिटल में चेंज हो रहा है, 31 मार्च तक कोई चेंज नहीं हुआ बाद में। अच्छा, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल का केस है, ध्यान रख लेना, फिक्स्ड कैपिटल में ना तो हमने प्रॉफिट को कुछ करना, ना जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स को कुछ करना। यहां पर लिखो उनकी कैपिटल थी 7,20,000, यहां वो अपनी कैपिटल में से कुछ विड्रू करते हैं 2,40,000, लिख दो 2,40,000। तो यानी कि 1 अक्टूबर को सिमरत की कैपिटल कितनी बच गई 4,80,000। जैसे जैसे आप याद रख लो कैपिटल इंक्रीज है तो इंक्रीज अमाउंट पे इंटरेस्ट दे दो, फिर जैसे उसकी कैपिटल फिर डिक्रीज हुई, उन्होंने विड्रू कर लिया 2,40,000, तो वहां तक का इंटरेस्ट याद दिया, यहां से फिर नया इंटरेस्ट शुरू कर दो 6/12। ये तो 6/100 और ये 6/12, 6 महीने। 6 महीने कैसे आए, अक्टूबर से मार्च तक करोगे तो 6 मंथ, 6 मंथ का इनको इंटरेस्ट दे दो, करोगे तो 14,400 आपका आ जाएगा। अब इसको जरा कर लो, यहां ये बन गया 35,400, इट इज द वन आंसर। ये तो हमारा बन गया एक आंसर, सुन लो सिमरत का, इसी में वीर का करते हैं अब यहीं पर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ब्रैकेट में कर दो किसका निकालना है हमने, वीर का। चलो जी इसका भी देखते हैं। इनकी कैपिटल जब हमने बिगिनिंग में निकाली थी तो 3,60,000 आई थी, ध्यान रखना, वहां से स्टार्टिंग करते हैं। इनको जो इंटरेस्ट शुरू में मिलेगा, इनकी भी चेंज हुई है ऐसे ही कैपिटल, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक का, तो एक दे दो इनको। इनकी कैपिटल थी 3,60,000 उस टाइम पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है 1 मंथ का, तो इनका ये तो बन गया 1,800। यहां तक क्लियर हुआ। अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट मे को विड्रू कर लिए, उसमें से लिखा हुआ है क्वेश्चन में अच्छी तरह पढ़ो, 60,000 फर्स्ट मे को विड्रू किए, तो यानी कि इनकी कैपिटल कितनी रह गई मे में आके, और फिर इन्होंने 1 अक्टूबर को फिर चेंज करा है, तो 30 सितंबर तक का इनको एक इंटरेस्ट दे दो। थी 30 अप्रैल को 360, फर्स्ट मे को इन्होंने 60,000 विड्रू कर लिए, निकाल लिए, तो कैपिटल कितनी रह गई होगी 3,00,000 उस टाइम पर। ये कर दो यार, इनटू करो 6/100 और इनटू कर दो 5 मंथ्स का, 5 मंथ कहां से आ गए, ये रहा फर्स्ट मे से 30 सितंबर तक। हमने 30 सितंबर क्यों लिखा, क्योंकि 1 अक्टूबर को ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे जहां कैपिटल चेंज होगी वहां तक का इंटरेस्ट दे जाओ, कभी गलती नहीं होगी। यहां निकालो अब कितना बन गया, ये तो बन गया आपका 2, ये 0, 7,500 लिख दो 7,500। अब आगे चलते हैं। अब 1 अक्टूबर को क्या हुआ, इनकी कैपिटल फिर चेंज हुई, क्या चेंज हुई, और यहां तक दो 31 मार्च तक, इनकी कैपिटल थी 3,00,000 रुपये अक्टूबर 30 सितंबर को,
इन्होंने अपनी कैपिटल में इंट्रोड्यूस किया लिखा 3 लाख रुपी, कैपिटल इंक्रीज होकर 6 लाख बन गई, ध्यान रखना। यहां लिखो कैपिटल आज इनकी कितनी आ गई, 6 लाख, इंटू करो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और कितना मंथ बनती है, अक्टूबर से लेके मार्च तक चेक कर लो, 6 मंथ, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट इनको दे दो, वो बनता है 18,000। ये इनका इंटरेस्ट आ गया 27,300। यही तो हमारा आंसर था, ये भी आंसर आ गया, ये लो, क्लियर है। ये दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गए, कब, जब कैपिटल आर फिक्स्ड। अब करते हैं जिसमें कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तब कैसे निकलता है तब देखते हैं। तो ये तो दोनों से क्लियर हो गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सबसे इजी मेथड होता है, याद रख लो, जैसे जैसे उसकी कैपिटल में चेंज हो रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो रही है चाहे डिक्रीज, वहां पर रुक जाओ, वहां तक का इंटरेस्ट दे दो। फिर जैसे उसकी कैपिटल में इंक्रीज हुआ वहां से स्टार्ट करो, अगेन जिस डेट को फिर उसकी रिड्यूस हो रही है या इंक्रीज, वहां तक का इंटरेस्ट दिया, ऐसे निकाल लिया। तो ये तो बन गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल से। अब करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से, अब स्टार्टिंग करते हैं इनकी ओपनिंग कैपिटल दोबारा निकालते हैं। पहले केस में निकाली थी हमने फिक्स्ड कैपिटल से, फ्लक्चुएटिंग है तो याद रखो हमने फिक्स्ड कैपिटल में ना तो प्रॉफिट को लिया था और ना ही नॉर्मल ड्रॉइंग्स को, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो दोनों ड्रॉइंग्स आएंगे और प्रॉफिट भी माइनस होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, देखो क्वेश्चन की, सबसे पहले तो लिख दो जो कैपिटल आपको दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में मेंशन है, लिख दो क्लोजिंग कैपिटल, लिख दो क्लोजिंग कितनी है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ध्यान रखना, क्योंकि इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है क्वेश्चन में 4,80,000 और 6 लाख, लिख दो 4,80,000 और 6 लाख। पहले तो लिख दो अब इसमें ड्रॉइंग्स, ऐड करो ड्रॉइंग्स, जितनी भी ड्रॉइंग्स है दोनों ड्रॉइंग्स, एक नॉर्मल ड्रॉइंग्स है और एक अगेंस्ट कैपिटल थी, याद रखो दोनों ड्रॉइंग्स इसमें ऐड होंगी क्योंकि माइनस हुई हुई है। ऐड करो इसमें नॉर्मल ड्रॉइंग्स, जिस ड्रॉइंग्स के आगे कुछ नहीं लिखा वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसी को नॉर्मल ड्रॉइंग्स बोलते हैं। एक तो ड्रॉइंग्स दे रखी है देखो इसके अंदर, बीर की तो दे रखी है 60,000 और उसकी 2,40,000, इसकी तो 2,40,000 और इसकी 60,000। अब चलते हैं नॉर्मल ड्रॉइंग्स, एक की 120 और एक की 60, एक की तो 1,20,000 और एक की 60, ये तो इनकी ड्रॉइंग्स हो गई। अब लेस करते हैं यहां से एडिशनल कैपिटल जो दे रखी है क्वेश्चन में, जितनी दे रखी है वो लेस कर दो। एडिशनल कैपिटल दोनों की है, सिमरत की तो है 1,20,000 और बीर की है 3 लाख, 1,20,000 और बीर की है 3 लाख, माइनस करो। अच्छा इसमें से प्रॉफिट भी माइनस करो, क्योंकि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो जो कैपिटल में सारी चीजें आनी है वो सारी आ जाएंगी। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स भी आएंगी दोनों और प्रॉफिट भी माइनस होगा, माइनस कर दो प्रॉफिट। तो ये दे रखा है 2,40,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, करोगे तो एक का तो बनेगा 1,44,000 और एक का बनेगा 96,000, ये रहा। अब हमने ये दो चीजें माइनस कर दी, नोट करो, अब इनकी ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। यानी ये इस पे आ जाओ ओपनिंग कैपिटल पे, यही हमें नीड थी ओपनिंग कैपिटल। दोबारा से समझ लो कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, ऐड करेंगे उसमें ड्रॉइंग्स, चाहे वो अगेंस्ट कैपिटल है चाहे प्रॉफिट है, दोनों ड्रॉइंग्स लेंगे, लेस करेंगे उसमें से एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट, तो किस स्टेप पे आ जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल। अब इसका टोटल कर लो, टोटल करते हो तो ये तो बनता है 5,76,000 लिख लो, और ये 3,24,000, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब यहां से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, स्टार्ट करते हैं इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी तो ओपनिंग कैपिटल तो सिमरत की पता चल गई थी 5,76,000, यहां स्टार्टिंग करते हैं। ये देखो सबसे पहले उसकी कैपिटल लिखो, कब से थी उसकी, 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल। ये क्यों लिखा हमने ये भी बता देता हूं, क्योंकि उन्होंने 1 मई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है, जहां चेंज होगा वहां तक का पहले इंटरेस्ट दो, जिस डेट से चेंज है फिर कैपिटल पे चेंज पे दे दो। कितनी बनी थी इनकी कैपिटल, 5,76,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दे रखा है, करोगे तो 2,880 आ जाएगा, ये तो बन गया 1 मंथ का। अब इनकी 1 मई से कैपिटल चेंज हो गई, आपको बताता हूं कितनी हो गई वो दिखाते हैं, और 30 सितंबर तक लगाओ क्योंकि अक्टूबर में फिर चेंज हो रहा है, 5,76,000 और प्लस करो इसमें 1,20,000, इनकी कैपिटल बन गई 6,96,000 इस डेट को, 6,96,000, इस पर इंटरेस्ट बना दो 6/100 और इंटू 5/12 कैसे आया वो भी समझ लो।
यहां से लेके यहां तक के मंथ चेक करो, हमने फर्स्ट में क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट में को उन्होंने 120,000 एडिशनल कैपिटल ली है। तो मैंने आपको बताया जैसे ही वो एडिशनल कैपिटल फर्स्ट में कैसे आया, क्योंकि फर्स्ट में को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है सिमरत से, तो जिस डेट को चेंज होगी वहां पर उसकी कैपिटल फिर चेंज करके दिखा दो, वहां का इंटरेस्ट दे दो, उससे पहले तक का इंटरेस्ट पुरानी वाली जो अमाउंट थी उस पर दे दो। तो ये 5 मंथ बने यहां से यहां तक के करोगे तो इसका 17,400 आ जाएगा। अब आगे चलो, अब फिर 1 अक्टूबर से उनकी कैपिटल फिर चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, और मार्च तक का लगा देंगे अब 6,96,000, और इसमें से माइनस करो उन्होंने विड्रू कर लिया 2,40,000, इसमें से ये माइनस करते हैं 240, तो 4,56,000 बच गई कैपिटल आज इनकी। इनकी कैपिटल बच गई आज इतनी, इसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो यहां से, रेट तो ये था, और इनटू करो 6/12, ये करोगे तो 13,680 आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, ये 6 मंथ कहां से आए, 1 अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अब इनका टोटल बना दो, टोटल बनाते हो तो आपका आंसर आ गया ये रहा, इसका आंसर करोगे 33,960, 33,960। टैली भी कर लो यहां से, 0, 8 और 8, 16, 1 कैरी हो गया, 18, 19, 1, 10, 12, 13 आ गया आंसर। ये तो हमारा सिमरत का आ गया, अब दूसरे का कैलकुलेट करते हैं। चलो जी अब कैलकुलेट करते हैं वीर का इंटरेस्ट, यहां पर एडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो हमने निकाल ली थी अभी सिमरत की, यहां लिख दो वीर, ये वीर की निकल रही है। अब इसकी भी वो जैसे हमने ये करी थी सेम ऐसे इसकी भी करेंगे, इसकी ओपनिंग कैपिटल 3,24,000 आई थी, याद करो जो कैलकुलेट करी 1 अप्रैल से लेके, यहाँ लिखो 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक, उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा एक मंथ का ही मिलेगा 3,24,000। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसने भी 1 मई को जो है चेंज कर ली अपनी कैपिटल, 60,000 विड्रू किया था याद करो, इंटू करो 1/12, ये तो बन गया 60,20। अब इसकी कैपिटल चेक करते हैं, 1 मई से लेके इनकी कैपिटल फिर 30 सितंबर तक कितनी रही, 3,24,000 तो इनकी थी 1 मई को, यहाँ चेंज हुई 60,000 इन्होंने निकाल लिया। जब ये इसमें से 60,000 निकाल लेंगे तो आप चेक करो 2,64,000 हो गई इनकी कैपिटल, 2,64,000। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट बना दो 6/100 और इंटू 5/12 करोगे तो 6,600 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब इसने फिर दोबारा से 3,00,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इन्होंने 1 अक्टूबर को 3,00,000 इंट्रोड्यूस किया, तो यानी कि अक्टूबर में इनकी कैपिटल चेंज हो गई फिर दोबारा 31 मार्च तक निकालेंगे। अब इनकी कैपिटल थी अभी 264, जैसे ही जो चेंज है, इंक्रीज है तो प्लस कर दो, डिक्रीज है तो माइनस कर दो, ये 3,00,000 टोटल कितना हो गया 5,64,000 इंटू करो 6/100 और इंटू करो 6/12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 16,920 आ गया, करोगे तो आप ये अब बना दो यहाँ पर, इसका टोटल कर दो 16 और 16, 22, 23, 24, 25, 25,140, ये वीर का इंटरेस्ट आ गया। ये लो जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 25,140। पॉइंट समझ आ गया, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, जहाँ जहाँ चेंज करता है उसकी कैपिटल में वहाँ तक का इंटरेस्ट दो, जैसे ही चेंज हो फिर उस अमाउंट पर दे दो, ऐसे ही हमने इसके अंदर करा। चलो जी अब हमारा अब ये कंप्लीट हो गया आज 66 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। कोई भी आपको डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।